अस्सलाम वालेकुम शहनाज की दुनिया में आप सबका स्वागत है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं आज मलाड़, और मलाड़ जा रहे हैं इसलिए कि मेरा जो पर्स है वो पर्स मेरा मलाड़ में ही मिलता है, तो मलाड़ में से मैं वो पर्स लूँगी और लेकर के मैं आऊँगी, क्योंकि मेरा मोबाइल वगैरह सब उसी में रहता है। हर चीज़ मेरे को पैसे वगैरह जो भी है मेरे को बड़े पर्स में ही जमता है, वो छोटा सा पॉकेट रहता है वो मैं भूल जाती हूँ मेरा करके, जो ऐसा बन वाला होता है जिसमें पकड़ने का हैंडल होता है मुझे वो पर्स चलता है, क्योंकि वो मुझे याद रहता है, दूसरा पर्स मैं भूल जाती हूँ। तो कई दिनों से मेरा पर्स टूट चुका है, मैंने सोचा चलो आज मैं जा कर के लेकर ही आ जाती हूँ। तो अभी मैं और अंजुम जा रहे हैं मलाड़, मलाड़ जा रहे हैं मलाड़ की मार्केट में, क्योंकि वो यहाँ मिलता ही नहीं वो पर्स ना, 5 नंबर में यहाँ पर कहीं मिलता ही नहीं, वो मलाड़ में ही मिलता है। मैंने पहले भी जब खरीदी थी तो मलाड़ से ही खरीदी थी, तो अभी मैं वही जा रही हूँ और जा कर के पर्स लेकर आती हूँ, और फिर अभी हम लोग जब पहुँचेंगे वहाँ मलाड़ में मार्केट में तो तब वीडियो करेंगे और आपको बताएंगे मुझे कैसा पर्स है। तो चलिए चीकू सीता, सीता नहीं गीता है, अच्छे गीता है, ये है गीता, ये है चीकू, चीकू। तो अभी हम जा रहे हैं मलाड़ के लिए बस पकड़ने के लिए, तो बस घर से निकल गए हैं। ये देखिए हमारे सामने का रोड, तो ये देखिए अभी हम लोग बस में बैठ चुके हैं मलाड़ की बस में, कंडक्टर आके टिकट निकाल रहा है। तो ज़रा कुछ सामान ख़रीदना है इसके वजह से हम लोग बस में बैठे हैं मलाड़ जा रहे हैं, क्योंकि मेरा जो पर्स है वो मलाड़ में ही मिलता है, यहाँ नहीं मिलता। मैं यहाँ पर बहुत ढूंढी 5 नंबर में लेकिन नहीं मिलता है, वो मैं मलाड़ में ही मिलता है। और ये जो वीडियो है ये मेरी वीडियो असल में बहुत पहले की है, असल में इसमें से कुछ कुछ सीन हमारे थोड़े डिलीट हो गए थे, मिल नहीं रहे थे, तो इसकी वजह से हम लोग को इतना लेट हो गया ये वीडियो डालने में। तो मैंने सोचा चलो डाल देती हूँ ये भी वीडियो, ये बहुत मतलब कम से कम 1 महीना 1.5-2 महीना पहले की वीडियो है, मैंने सोचा ये भी वीडियो आपसे शेयर करती हूँ मैं। तो ये देखिए अभी हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं मलाड़ में, ये अंदर का मार्केट का रोड है, ये भी मैं देख रही हूँ, ये जो कांदा चॉप करते हैं उसके लिए ले रही हूँ मैं, ये बहुत अच्छा रहता है, इससे कांदा सलाते के लिए कांदा बहुत अच्छे से कट जाता है। ये देखिए अंजुम को जीन्स चाहिए, ये वटाने के छोटे छोटे से पैकेट, ये छोटी छोटी सी चीज़ें मुझे अच्छी लगती है, जैसे कभी ऐसे घर में बैठे टाइम पास नहीं हो रहा है तो हम लेके खा लेते हैं। ये आम की रोटी अंजुम को पसंद है तो मैंने आम की रोटी और मेरे लिए हरा वटाना ले ली हूँ, छोटी छोटी सी चीज़ें मुझे लेना अच्छा लगता है, मैं ले लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो वही अभी देखो चलते चलते जा रहे हैं जहाँ पे मेरा पर्स मिलता है उस तरफ हम लोग जा रहे हैं लेने के लिए, बस से उतर के वहाँ बीच के रोड से निकलना पड़ता है, उस दूसरी तरफ है जहाँ नटराज मार्केट है वहाँ पर, ये अभी बीच की गली में हम लोग आ गए। हम लोग को बहुत गर्मी हो रही थी तो चलो हम लोगों ने सोचा कि गन्ने का जूस पी लेते हैं, यहाँ पर गन्ने का जूस अच्छा मिलता है। वहाँ पर से भी मैंने कुछ चीज़ें ख़रीदी हूँ, जब घर पे जाऊँगी तो मैं आप लोगों को बताऊँगी। यहाँ पे थोड़ा अंधेरा है इस वजह से थोड़ा वीडियो सही नहीं आ रहा है। ये MM वाला है, वहाँ से मैं कचौरी ख़रीद रही हूँ पार्सल घर के लिए। यहाँ पे गर्दी बहुत रहती है, ये कचौरी बहुत अच्छी बनाता है ये MM वाला, मुझे बहुत पसंद है यहाँ की कचौरियाँ, तो जैसे मैं कभी आ जाती हूँ तो मैं ले लेती हूँ। तो देखिए अब मैं ले रही हूँ पार्सल, बहुत लेट हो गया मुझे वीडियो डालने में। तो ये देखिए ये यहाँ पर आ गई हूँ मैं पर्स की जगह पे, ये ठेले वाला ही है लेकिन इसके पास ही मेरा जो पर्स मैं जो हमेशा मैं यूज़ करती हूँ, आप लोग देखते होंगे कि हमेशा मेरे वीडियो में मेरे हाथ में एक पर्स होता है, अगर जब मैं बाहर जाती हूँ तो मैं यहीं से लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पर पर्स लेने से एक बार मैं पर्स ले लूँ तो मुझे 2-2.5-3 साल की फुर्सत हो जाती है, क्योंकि ये पर्स बहुत अच्छा होता है।
तो ये अभी मलाड का जो मच्छी मार्केट है मैं वहाँ पर आई हूँ, तो सूखा मच्छी देख रही हूँ, लेकिन ये पोलन लोग बहुत महंगा बोल रहे हैं, हद से ज़्यादा महंगा बोल रहे हैं, और कम करने के लिए भी राज़ी नहीं है, इतना महंगा बोल रहे हैं ये लोग सूखा मच्छी। इससे तो कम में हमारे महाड़ा में मिल जाता है, तो इस वजह से मैं अभी सोच रही हूँ लूँ कि नहीं लूँ। मैं उसको भाव कम करने बोल रही हूँ, लेकिन वो बिल्कुल ही कम नहीं कर रही है भाव। अस्सलाम वालेकुम। तो देखिए अभी हम लोग आ गए हैं मलाड से, असल में वहाँ पर हम लोगों को टाइम ही नहीं मिल रहा, तो वहाँ इतनी गर्दी थी, अरे बाप रे, बहुत गर्दी थी यार, इतना मुश्किल हो गया आना कि मैं क्या बोलूँ। बस में इतना 2 घंटा तो हम लोग को बस में लग गया। तो मैं जो पर्स बोल रही थी, मेरा ये पर्स है, मुझे इस पर्स की आदत है हमेशा, अभी वो पर्स है तो बताओ। तो मेरा ये जो पर्स है ना, मुझे ये जमता नहीं है, मैं भूल जाती हूँ, तो मुझे आदत है इस पर्स की, इसमें मेरा फ़ोन वगैरह सब कुछ आ जाता है। तो मैंने ये पर्स ले ली, और मैंने ये ली हूँ ये अदरक लहसुन शॉपिंग करने का, ये मुझे कई दिनों से लेना था, और अंजुम ले ली है आम की रोटी, और मैंने ये बॉक्स ली हूँ मेरा मेकअप का सामान रखने के लिए। मेरे मेकअप का सामान सब थैली में पड़ा हुआ है, तो मैंने सोचा ये मैं ले लूँ, ये मुझे मदार में बहुत अच्छे तरीके से मिल गया, यहाँ पर महंगा है। ये 3 पीस का है, ये मुझे 150 रुपये में मिल गया, और मैंने लाई हूँ कचौरी एमएम से, अभी कचौरी हम लोग खाएँगे। तो चलिए मैं अभी अपना व्लॉग बंद करती हूँ, और आप अपना तो ख्याल रखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, प्लीज़ शेयर कीजिए, मेरे वीडियो को देखिए, और अपना आप सब ख्याल रखिए। तो चलिए मैं अपना व्लॉग बंद करती हूँ, अल्लाह हाफिज़। ये देखिए, ये इसको पहले ये देखती है कलमली कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हर चीज़ में आकर के ये अपनी टांग आती है। अभी हम लोग आ गए ना, चलिए देख लीजिए क्या है क्या नहीं है, ये सब चीज़ को हाथ लगाइए। ये खाने की चीज़ नहीं है माँ, ये खाने की चीज़ नहीं है, तुम्हारे खाने की चीज़ नहीं है, मेरे बच्चे की खाने की चीज़ नहीं है। कहाँ खा रहे बाबू, मेरा बाबू छोटा तो बाबू क्या चीज़ क्या चीज़ है बाबू, क्या होना मेरे बाबू की। तो चलिए अब मैं अपना व्लॉग बंद करती हूँ, अल्लाह हाफिज़।